हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं आपके लिए दो सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगेगी। मेरा नाम अर्जुन है। ये बात लगभग 3 साल पुरानी है। हमारी फैमिली का बहुत बुरा टाइम चल रहा था। मेरे पापा की डेथ हो गई थी और फैमिली में पैसों की भी तंगी हो गई थी, जिस वजह से मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे सब ठीक हुआ। माँ को मैंने डॉक्टर्स को दिखाया पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मैं और माँ बैठकर कुछ बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि कोई अच्छी आत्मा, जिसको उन्होंने एंजल बोला, मेरे साथ रहता है, मुझे खुश रखता है। मैं बहुत डर गया। मैं इन सब बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। मुझे लगा कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया पर उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। मैं बहुत परेशान रहने लग गया था। तो एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे बताया तो उसने मुझसे कहा कि अगर ऐसी सच में कोई बात है तो वो मेरी हेल्प कर सकती है। उसने कहा कि उसके चाचा को ये सब चीज़ें फील होती हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी फ्रेंड और उसके चाचा हमारे घर में आए। हम बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने कहा, घबराओ मत, ये कोई शैतान नहीं है, जैसे कि तुम्हारी माँ ने कहा, ये एक एंजल ही है, यानी अच्छी आत्मा। मैंने उन्हें सीरियस नहीं लिया क्योंकि ये एंजल वाली बात मैंने ही उन्हें बताई थी। हम फिर से बातें करने लगे और उन्होंने कहा कि वो किचन में है। मैंने देखा तो किचन में मेरी माँ थी। मैंने कहा कि किचन में मेरी माँ है। वो किचन की तरफ जाने लगे तो मैंने उन्हें रोका क्योंकि मैं माँ को ये सब बताना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो एक दो बातें करके वापस हमारे पास आ गए। शायद माँ से हाल चाल पूछा होगा। 2 मिनट बैठने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी फैमिली में से ही है कोई और जवान है। मुझे अभी भी कोई यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी माँ का कोई और बच्चा भी था? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। तो हंसकर बोले कि जो अभी दुनिया में ना आया हो। एकदम से मेरा दिमाग घूमा क्योंकि एक बार माँ ने मुझे बताया था कि मुझसे पहले उनको एक बच्चा होने वाला था पर उनका मिसकैरेज हो गया था और वो मेरा बड़ा भाई था। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी माँ ने उसका नाम रख दिया था? कुछ ऐसे। और मैं बिल्कुल डर गया क्योंकि माँ ने उसका नाम अक्षित रखा था। उसने कहा कि ये आत्मा मेरी माँ की देखभाल कर रही है। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था पर उस दिन के बाद मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस दुनिया में मौजूद होती हैं। मुझे उसकी आत्मा का कोई कभी एहसास नहीं हुआ और ना उसने हमें कोई नुकसान पहुँचाया। बस यही था मेरा छोटा सा किस्सा जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएं। धन्यवाद।